अयोध्या की रामलीला इस बार मनाई जा रही है वर्चुअल रूप में और देश के प्रख्यात कलाकार इस रामलीला में अपनी अपनी भूमिकाओं का मंचन करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं श्री अयोध्यापुरी में। राम कथा का नाम हो और वहाँ पर भगवान श्री राम और भगवती सीता का अगर नाम ना हो तो फिर शायद राम कथा पूरी नहीं मानी जाती। ऐसे में आज हमारे साथ हैं अयोध्या की रामलीला में माता सीता की भूमिका निभाने वाली कलाकार। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं खास आपके लिए। सबसे पहले तो अयोध्या की धरा पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सबको जय श्री राम। मैं हूँ कविता जोशी और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ जो कि देवोभूमि है। और अगर अपने करियर की स्टार्टिंग मैं बताऊँ तो मेरी शुरुआत हुई है कुमाऊनी एल्बम से क्योंकि मैं पहाड़ी हूँ। उसके बाद मैं हरियाणवी फिल्मों में आई और आज मैं हरियाणवी इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा हूँ। मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं हरियाणवी, कम से कम 25 से 30 फिल्में मेरी एज ए लीड हैं वहाँ के जो स्टार हैं उत्तर कुमार जी उनके साथ। और मैंने 30 से 40 हरियाणवी सॉन्ग्स किए हैं। मैंने पंजाबी मूवी भी की है और इसके अलावा मैंने 3 टीवी कॉमर्शियल किए हैं और क्राइम पेट्रोल में भी मैंने एपिसोडिक किए हैं और ये मेरी जर्नी है अभी तक। कविता, इतनी लंबी आपकी अभिनय यात्रा रही है और इतनी लंबी मतलब फिल्मों का इतना अनुभव होने के बाद अचानक ये मंच की ओर झुकाव कैसे हुआ और ये सीता का रोल आपको कैसे मिला? मैंने रामलीला, यहाँ पर जो रामलीला हो रही है अयोध्या की ऐतिहासिक रामलीला, मुझे नहीं पता था कि मैं इसमें माता सीता का किरदार निभाऊंगी। मैं तो लॉकडाउन चल रहा था, अपने घर पे थी उत्तराखंड, तो मुझे सडनली जब मुझे इसके लिए कॉल आया कि ऐसे ऐसे अयोध्या में ऐतिहासिक रामलीला हो रही है तो क्या आप करोगी, तो मुझे लगा कि हाँ भाई, जब इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रही है और मैंने सोचा भी नहीं था कि एक ऐतिहासिक रामलीला होने जा रही है, जब मेरे पास कॉल आया। उसके बाद मेरा ब्रदर है मनीष, उसने मुझे मिलवाया था जो इस रामलीला के डायरेक्टर हैं प्रवेश कुमार जी से। तो प्रवेश सर ने जब मुझे सामने देखा तो मुझे देखते ही कहा कि यही मेरी इस रामलीला की सीता होगी। इस तरीके से मुझे ये सीता जी का किरदार मिला। मतलब मैंने कोई कल्पना नहीं की थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं रामलीला करूँगी और मुझे ये रामलीला मिलेगी। तो बड़ों का आशीर्वाद, मेरे फैंस का सपोर्ट और प्रभु श्री राम की खुद इस जन्मभूमि पर मैं आई हूँ, उनका भी आशीर्वाद है कि वो मुझे यहाँ तक लेके आए हैं और मुझे माता सीता जी का किरदार मिला है और मैं निभा रही हूँ। कविता, ये आपने फिल्में करी हैं और अब आप मंच कर रहे हो, तो फिल्मों के लिए शॉट देने में और यहाँ पर सीन्स करने में, जो मंच पर जो कि लाइव होता है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, तो कुछ मुश्किल, कुछ कठिनाइयाँ आ रही या नया एक्सपीरियंस हो रहा है? नहीं, फ़र्क तो बहुत है क्योंकि जब हम फिल्म करते हैं तो फिल्म में आपको कट बोला जाता है, गलत कर दिया फिर आप दोबारा कर सकते हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि मैं एक टेक और दूंगी, डायरेक्टर को पसंद नहीं आ रहा है तो वो रोक सकते हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी और आर्टिस्ट की वजह से भी प्रॉब्लम हो तो दोबारा टेक होते हैं, आप दोबारा कर सकते हैं जब तक परफेक्ट ना हो जाए। लेकिन जब आप लाइव करते हैं तो वो फर्स्ट एंड लास्ट एक ही होता है। तो उसके लिए हमारी प्रॉपर रिहर्सल हुई है, 3 मंथ से दिल्ली में रिहर्सल हुई। उसके बाद हम लोग जब यहाँ पे आए तो डेली हमारा सुबह 6 बजे से लेकर रिहर्सल होता था और फिर शाम को हम लोग यहाँ पे रामलीला कर रहे हैं। तो दिक्कत इतनी नहीं आई क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर हैं प्रवेश कुमार सर, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें रिहर्सल में एक एक बारीकी बताई, किस तरह से आप जो स्वरूप निभा रही हैं उसमें कैसे ढलना है वो बताया, डायलॉग्स कैसे बोलने हैं वो बताया, तो उन्होंने हमें परफेक्ट किया। बाकी मैं तो सीता माता का एक स्वरूप निभा रही हूँ, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं वही हूँ, मैं वही नहीं हूँ, मैंने सिर्फ उनका स्वरूप निभाया है, उस चीज़ को निभाने की कोशिश की है क्योंकि उनका आशीर्वाद है, तो बस मैंने वो चीज़ अपने अकॉर्डिंग निभाई है कि मैं उसे कैसे निभा सकती हूँ। बातचीत के इस मोड़ पर कविता, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहते हैं कि किसी भी किरदार को जब कोई कलाकार निभाता है तो उसमें डूब जाता है और उसके गुण, उसकी भावनाएँ उसके भीतर समाहित हो जाती हैं, तो भगवती सीता का ये किरदार आप निभा रहे हो और आपने बताया कि 3 महीनों से इसका रिहर्सल कर रहे हो, तो क्या प्रेरणा मिली, कुछ बदलाव या कुछ ऐसी सकारात्मकता आप अपने भीतर महसूस करते हो इस किरदार को करने के बाद? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मैं भी यही मानती हूँ। बाकी जब हम जिस चीज़ को करते हैं आपको उसमें ढलना पड़ता है, तो मैंने भी कोशिश की कि मैं उन चीज़ों को देखूँ। मैंने रामायण भी देखी और वो क्या, जब वो जंगलों में रहे तो वो किस तरह से रहते होंगे, इवन मैंने भी ज़मीन पर सोना शुरू किया कि हाँ आप ज़मीन पर लेट सकते हैं तो हम क्यों नहीं उसको ट्राई कर सकते हैं। और रही पूजा पाठ की बात, वो तो मैं वैसे भी करती हूँ, बट थोड़ा सा और लीन होके करने की कोशिश की कि उसमें और ध्यान दूँ, बारीकी को सीखूं, और मतलब कुछ भी ऐसा ना हो कि झूठ
हम कोशिश करते हैं हम कम से कम बोले, हम नहीं बोलते, लेकिन फिर ये था कि बिल्कुल भी नहीं, आपको सच बोलना है और मतलब आपको परफेक्ट रहना है, जैसी मैं हूँ आपको और उससे ज़्यादा बेटर देना है अपने आप को, क्योंकि हम रियल लाइफ को एक अलग तरीके से जीते हैं, क्योंकि हम फिल्में भी करते हैं, कई चीज़ें हैं, अब हम एक भगवान का किरदार निभा रहे हैं, तो उनकी बारीकियां मैंने सीखने की कोशिश की कि अपने जीवन में जितनी अच्छाई ला सकते हैं उतनी अच्छाई लाएं, तो वो सारी चीज़ मैंने भी की है, तो बहुत अच्छा लगा, सकारात्मकता बढ़ी है और भी अंदर, तो मैं चाहूँगी आगे ऐसे ही रहे। बहुत ही खूबसूरत बात है। और इस चीज़ को विराम देने के पूर्व कुछ छोटी छोटी बातें जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तो ये कि यहाँ पर आप मंचीय अभिनय कर रहे हो, रामलीला कर रहे हो, और ये एक बड़ा वैश्विक आपदा के चलते अजीब सा संयोग है कि आप मंच पर लाइव कर रहे हो लेकिन सामने दर्शक नहीं है, तो ये अनुभव कैसा है? हाँ, अनुभव तो एकदम डिफरेंट है, क्योंकि जब हम लोग कोई चीज़ करते हैं तो जब स्टेज पर कोई होता है तो सबको रहता है कि हाँ हमारी ऑडियंस सामने हो, लेकिन कोरोना का टाइम है, हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मुहिम चलाई है कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें, कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आप प्रॉपर वे में रहें, मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज यूज़ करें, सोशल डिस्टेंस करें, तो हम सिर्फ एक काम को करने के लिए हम अपनी जनता को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है, इसको वर्चुअल किया गया है, क्योंकि मैं मेरा ये मानना है कि अगर यहाँ पे लाइव ऑडिशन ऑडियंस आती तो शायद वो उतनी नहीं आती जो आज पूरा विश्व देख रहा है। हम पूरे विश्व को एक जगह खड़ा नहीं कर सकते क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता और इतने लोग आ भी नहीं सकते, लेकिन टीवी के माध्यम से डीडी नेशनल इसका प्रसारण कर रहा है लाइव, तो पूरा विश्व इसे देख रहा है, तो ये शायद लाइव टेलीकास्ट जो हो रहा है ये बेस्ट है, ये बहुत बेस्ट है क्योंकि पूरी दुनिया इसे देख रही है। हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही, यकीनन पूरा विश्व एक साथ नहीं आ सकता लेकिन इस माध्यम से, ये भी हाँ। भगवती सीता की और राम जी की हमारी कृपा है कि पूरा विश्व एक साथ देख रहा है, तो आखिर में अपने चाहने वाले, अपने प्रशंसकों और वो लोग जो भगवती सीता के किरदार में आपको देख चुके हैं, इस भूमिका में आपको पसंद कर रहे हैं, सराह रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि मेरी ऑडियंस ने मुझे हमेशा सराहा है, मुझे पसंद किया है और माता सीता जी के किरदार में भी मुझे पसंद कर रहे हैं, तो बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिएगा और अच्छाई अपने अंदर लाइएगा, बुराइयों का अंत कीजिएगा और जितनी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं लाइफ में कीजिए और जितनी गलत चीज़ें हैं उन सबको छोड़ दीजिए। हमारा भारतवर्ष बहुत सुंदर है और मिलके रहिए और एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। कविता, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम। जय सियाराम।